चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट। क्या नाम है बोलो? मेजरमेंट। देखो एक बात सुनो, मेजरमेंट है क्या? हम किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को जब मेजर करते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं क्या? मेजरमेंट। क्या कहते हैं? और आपको मैं बता दूं एक बात, मेजरमेंट जब हम किसी चीज का मेजर करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के दो मेथड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड, और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या बताया जाता है? इस मेथड में हम किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं तो वहां इंस्ट्रूमेंट का मदद लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट, औजार, इंस्ट्रूमेंट। मान लो मेरे को इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, मैंने स्केल रखा और बता दिया, तो यहां पर मैंने किसका यूज किया मेजरमेंट के लिए? इंस्ट्रूमेंट का। तो यह कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट। मेरे को टाइम बताना है, मैंने वॉच देखा, बता दिया, तो टाइम को जो मैंने मेजर किया किसकी मदद से? इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। तो जहां हम इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं मेजरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। लेकिन जहां इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है, जहां इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करता, जहां इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन ही खत्म, ये कहां इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन खत्म होता है? जहां हम बहुत बड़ी वैल्यू को मेजर करते हैं, जहां बहुत, जैसे मेरी बात सुनो, यहां से मेरे को मून का डिस्टेंस मेजर करना है। अगर मेरे को यहां से मून का डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे को किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे को किसी भी बड़ी से बड़ी चीजों का डिस्टेंस मेजर करना है, जहां कोई स्केल ही काम नहीं कर रहा है, जहां इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, जहां इंस्ट्रूमेंट फेल, मेजरमेंट हो ही नहीं पा रहा है, किसकी मदद से? इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं, किसका? हाँ, तो जहां मेथड यूज किया जाए मेजरमेंट का, इंस्ट्रूमेंट काम बनना बंद कर दे। इंस्ट्रूमेंट काम करना कहां बंद करता है? जहां वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। जैसे एग्जाम्पल, मेरे को यहां से मून का डिस्टेंस मेजर करना है। बच्चों कहां का डिस्टेंस मेजर करना है? मून का। तो मून हमसे बहुत दूर है, कोई स्केल है ही नहीं जो मून का डिस्टेंस मेजर करके बता दे, कोई ऐसा स्केल नहीं है। तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट तो फेल हो गया, तो वहां पे कौन सा, किसका हम सहारा लेते हैं? एक्सपेरिमेंट का। तो वो कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। एटम का साइज बहुत छोटा होता है, 10^-10 मीटर, उसके अंदर न्यूक्लियस तो और भी छोटा होता है, 10^-15। बताइए सब बड़ी डिस्टेंस है, छोटी छोटी है, तो वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट फेल, तो वहां पर भी किसका सहारा लेते हैं? एक्सपेरिमेंट का। जिन्होंने भी बताया 10^-10 मीटर या 10^-15 मीटर, तो मेजर करके ही बताया होगा, हवा में तो बात की नहीं होगी, तो उन्होंने किसका सहारा लिया होगा? इंस्ट्रूमेंट का या एक्सपेरिमेंट का? तो उसे कौन सा मेथड कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। तो जहां पे बेटा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, और जहां डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से हो जाए वो डायरेक्ट। अब मेजरमेंट हमें पढ़ना है दो चीजों का, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज का मतलब कौन से मेथड के थ्रू जाना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो तीन मेथड मेन है बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए। पहला है पैरेलेक्स मेथड, दूसरा है सोनार मेथड, तीसरा है लेजर मेथड। डिटेल में नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है, बस नाम याद रखना। ये डायरेक्ट मेथड में आते हैं या इनडायरेक्ट मेथड में? हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में। यानी कि कौन से मेथड है, इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, एक्सपेरिमेंट वाले हैं? छोटे डिस्टेंस के लिए या बड़े डिस्टेंस के लिए? बड़े डिस्टेंस के लिए। अब हम आएंगे मेजरमेंट ऑफ व्हाट, स्मॉल डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस का मेजरमेंट। तो कहा जाता है अगर आपकी छोटी डिस्टेंस इतना है, 10^-3, काफी छोटी डिस्टेंस है, 10^-3 मीटर का मतलब हो गया 1/1000 मीटर। बड़ी डिस्टेंस है या छोटी है? बहुत छोटी है। बट हमारे पास स्केल है, टेंशन नहीं लेना, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डोंट टेक टेंशन, मतलब हम डायरेक्ट मेथड में जा सकते हैं, यहां एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने डिस्टेंस तक हमारे पास जो स्केल होता है उसे कहते हैं मीटर स्केल। कौन से स्केल से मेजरमेंट कर लेते हैं? डायरेक्ट मेथड है। इससे भी छोटे डिस्टेंस में अगर हम आ जाएं, इससे छोटा क्या, 10^-4, ये तो और छोटा है, 1/10,000 मीटर, 1/10,000 हिस्सा, वेरी स्मॉल। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास स्केल है, डोंट टेक टेंशन, अभी भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। उस स्केल का नाम क्या है बेटा? वर्नियर कैलिपर। इससे भी छोटे डिस्टेंस में अगर हमें जाना है, लो और छोटे में जा रहे हैं, इससे भी छोटे में, इससे छोटा क्या, 10^-5 मीटर, यानी 1/ कितना,
10^-5 मीटर का 1/1 कितना 1 लाख। लो यहां तक भी घबराओ मत, यहां तक भी आपके पास है इंस्ट्रूमेंट, डोंट टेक टेंशन। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज, और यहां तक हम डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट कर सकते हैं कौन से डिस्टेंस का, लार्ज या स्मॉल। लेकिन इससे कम डिस्टेंस में अगर हम जाएंगे तब सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म, तब हमें जाना पड़ेगा कौन से मेथड में, इनडायरेक्ट। लेकिन 10^-5 मीटर तक के छोटी डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट मेथड है। क्लियर। अगला टॉपिक क्या है, लीस्ट काउंट। क्या है बेटा, लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लेवल होता है कि हम इतने से छोटे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, सबका अपना लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द मेजर्ड क्वांटिटी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटे से छोटे मेजरमेंट को रीड कर सकता हो, जो उसकी लास्ट वैल्यू मेजर वाली होगी, इससे कम वो मेजर नहीं कर सकता, तो वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर करता है, लीस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो दो चीज का लीस्ट काउंट सिलेबस में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो। पहला लीस्ट काउंट पढ़ना है किसका, वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर स्केल होता है ना, वर्नियर कैलिपर क्या मेजर करता है, लार्ज डिस्टेंस या स्मॉल। एक स्केल है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल, मतलब वर्नियर कैलिपर पे जो सबसे छोटी रीडिंग स्मॉलेस्ट ले सकते हो आप उसके 1 mm तक, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल। हर स्केल पे आपने देखा होगा ऐसे 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 छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, खाने बने होते हैं ना, इसी पे ये घूमता है ना, ऐसे करके कांटा घूमते रहता है, ऐसे ऐसे। तो छोटे छोटे डिवीजन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ। ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स से अलग है। तो अगर आपको क्या निकालना है बेटा, जल्दी से बताइए, अगर आपने निकालना है क्या, लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब रटने वाला फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट किसका निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो वो ले सकता है मेन स्केल पे, डिवाइडेड बाय यानी पूरा स्केल, मेन स्केल का मतलब कंप्लीट स्केल, जितना रीडिंग ले सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अगला लीस्ट काउंट किसका हम पढ़ा रहे हैं, स्क्रू गॉज। दूसरा स्केल है ना स्क्रू गॉज, इसे दूसरा नाम क्या है, स्फेरोमीटर। इसका निकालने का फॉर्मूला है, देखो क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अब पिच क्या है, पिच भी निकालने का फॉर्मूला है, पिच निकालने का अलग फॉर्मूला है, डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। होता क्या है, स्क्रू गॉज में बताता हूं, स्क्रू गॉज में एक स्केल होता है जहां नीचे से ऐसे ऐसे छोटा सा स्फीयर घुमाते हैं, तो ऊपर एक कांटा होता है, एक पेच होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है, आगे बढ़ता है। ऐसे आपने देखा होगा स्कूल के लैब में, स्फेरोमीटर में नीचे एक स्फीयर होता है, इसको घुमाते हैं धीरे 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 ऐसे घुमाते हैं, तो ऊपर इंडिकेटर आगे बढ़ता है। तो ये जो घुमाओगे नीचे स्फीयर, वो हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और जो डिस्टेंस मूव कर रहा है ऊपर वाला इंडिकेटर, वो है डिस्टेंस मूव। तो बताइए तो जरा ध्यान से, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, किसका, वर्नियर कैलिपर का। याद रखना फॉर्मूला, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेन स्केल पे लिया जाता है, जो कि 1 mm ही फिक्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कहीं ज्यादा होते हैं तो कहीं, उस हिसाब से लीस्ट काउंट सबका बदलता है। और अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या था मैंने, एक और होता है छोटे डिस्टेंस के लिए, स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर। इसका कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, बताइए जरा, पहले पिच, और नीचे तो यहां भी नंबर ऑफ डिवीजन, वहां भी नंबर ऑफ डिवीजन ही होता है, बट पिच भी अलग से निकाला जाता है। दे रखा है तो अच्छी बात है, वरना अलग से निकाला जाता है। पिच निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक कराते हैं हम सवाल स्क्रू गॉज पे, एक स्क्रू गॉज है या स्फेरोमीटर है, जो भी बोलो, उसका जो स्क्रू है कितना मूव किया, तेज बोलिए, 4 mm। कितने चक्कर घुमाने पे नीचे पेज कितना घुमा रहे हैं, 4 चक्कर घुमाया, तो ऊपर का जो स्क्रू है वो कितना आगे बढ़ गया, 4 mm। तो लीस्ट काउंट निकालना है, और कितना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, 200। ये सवाल कौन से स्केल का है, स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बेटा, पहले पिच, पहले क्या निकालेंगे, पिच निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्या डिस्टेंस मूव किया है वो, 4 mm, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 4, कट के कितना आ गया, 1। ये पिच निकल गया, क्या निकल गया, हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। फॉर्मूला क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, 1/2 कितना, 200, 0.005। पहले तो ये कितना आ गया बोलो बेटा, 1/0.005 क्या आ गया, mm। ये हो गया किसका लीस्ट काउंट हो गया, बताएंगे जरा, ये लीस्ट काउंट किसका हो गया, किसका, स्क्रू गॉज। पहले अच्छा, अगर पिच दिया होता तो
अगर पिच दिया होता तो यह निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर देते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल और है आपके एक्सरसाइज में, वो भी करा रहे हैं, आपके सामने एनसीईआरटी पे है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज कैसे चेक होता है, तीन इंस्ट्रूमेंट दे दिया उसने, पहला दिया वर्नियर कैलिपर, क्या दिया बेटा कितने डिवीजन है, तो फर्स्ट से इसका क्या निकाल दो, लीस्ट काउंट। कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, याद है फॉर्मूला लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, क्या फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, पिच नहीं होता है यहां तो, सबसे पहले क्या होता है वो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि 1 mm होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, 1/20 कितना आ गया 0.05 mm, मीटर में बदल दोगी तो 1 मिलीमीटर मीटर में जाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है डिवाइड, तो मीटर में आ गया, डिवाइड बाय 10^3 करोगे तो ऊपर जाके 10^-5, ये किसका लीस्ट काउंट आ गया बताएंगे जरा, वर्नियर कैलिपर का। फिर अगला क्या है, दूसरा स्केल क्या है, स्क्रू गॉज, कौन है स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज का भी लीस्ट काउंट निकालो, क्या फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, पिच, तो यहां पिच निकालना है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं, कितना पिच है 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, इसका कितना लीस्ट काउंट आया 1/100 mm, 0.01 mm, मीटर में बदल दोगे 1000 से डिवाइड करके तो ये 10^-5 मीटर, दो इंस्ट्रूमेंट का निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया लीस्ट काउंट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, तीसरा क्या है बोलो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की, तो ये रट जाना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है वो लाइट की वेवलेंथ, और लाइट की वेवलेंथ फिक्स होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यही मेजर करता है, क्या इसकी इसका लीस्ट काउंट कितना है, सबसे कम वैल्यू ये मेजर करता है, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है बेटा 10^-10, तो -10 करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ इन्हें सबको मैंने किसमें ले लिया, सबका लीस्ट काउंट किसमें ले लिया, मीटर में, मिलीमीटर में आया मीटर में ले लिया, मिलीमीटर में आया मीटर में ले लिया, और ये लीस्ट, सुनिए ये नया टॉपिक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो लाइट की वेवलेंथ होती है, क्या होती है लाइट की वेवलेंथ, और लाइट की वेवलेंथ याद रखना बेटा, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे 10^-10 कितना आ गया 6×10^-7 मीटर। तो अब बताओ तीनों का लीस्ट काउंट देख लिया, तीनों के लीस्ट काउंट में कम लीस्ट काउंट किसका है, सबसे कम इसका है 5×10^-5, इसका है 10^-5, इसका है 6×10^-7, तीनों में सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि जो वेवलेंथ मेजर कर रहा है, तो तीनों में जो सबसे कम लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट तो सबका अपना अपना मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट जिसका होगा, किसका स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट आया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जो वेवलेंथ मेजर करता है, ये वेवलेंथ याद रखना फिक्स होती है, तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है उसे कहेंगे वो ज्यादा क्या है प्रिसाइज है, ज्यादा क्या है प्रिसाइज। तो कैसे चेक होता है तीन चार इंस्ट्रूमेंट में कौन ज्यादा प्रिसाइज है, सबका क्या निकालते हैं लीस्ट काउंट, सबका क्या निकालते हैं लीस्ट काउंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और लीस्ट काउंट में कम जिसका सबसे लीस्ट काउंट होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट जिसका लीस्ट काउंट होगा वो ज्यादा प्रिसाइज बोला जाता है, ऐसे सवाल आते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट है जरा सुनिएगा, 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस, एक गैस है आइडियल, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या होता है एसटीपी का मतलब बेटा, एसटीपी पे, इस पे बताइए जरा, एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड व्हाट प्रेशर। तो यहां पे क्या दिया है जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक मिनट होल्ड करना, क्वेश्चन क्या है, एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक आइडियल गैस है, कौन सा गैस है जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसका साइज दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का, साइज का मतलब क्या होता है रेडियस, हर गैस का एटम या मॉलिक्यूल कैसा होता है स्फेरिकल, साइज दिया हुआ है कितना एंगस्ट्रॉम 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक बात सुनो, नया सवाल है, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम अलग अलग चीजें होती हैं, मोलर वॉल्यूम जो होता है 1 mole का, 1 mole का, कौन सा वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम, कितने मोल का, 1 मोल का, किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, इसको कहते हैं एसटीपी, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर। तो यहां पे जो एसटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम होता है, दुनिया का कोई भी गैस ले लो कभी नहीं बदलता, वो कितना लीटर होता है, 4 लीटर, मोलर वॉल्यूम, या मोलर का मतलब मोल्स का वॉल्यूम। और लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10^-3। लेकिन जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, दूसरा कौन सा वॉल्यूम होता है, एटॉमिक, वो एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो साइज के हिसाब से बदलता है, और सबका मॉलिक्यूल का साइज एक जैसा नहीं होता, बदल कोई साइज, किसी गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। तो बताओ कौन सा वॉल्यूम फिक्स होता है, मोलर वॉल्यूम या एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर, चाहे दुनिया का कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो बदलता है, वो साइज के हिसाब से बदलता है। तो पहले एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो याद रखना। कैसे निकालोगे वॉल्यूम, कैसे निकलता है, 4/3 πr³। ये कौन सा निकल गया, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना निकल गया बताना, πr³, क्योंकि हर मॉलिक्यूल क्या माना जाता है, एज अ स्फीयर। तो अब 4/3, पाई का मतलब कितना, 3.14, आर कितना, 0.5 angstrom, 0.5 × 10^-10 सॉल्व किया तो ये आ गया, कौन सा वॉल्यूम आ गया, एटॉमिक वॉल्यूम। लेकिन कितने मॉलिक्यूल का आया है, मोल का आया, एक मॉलिक्यूल का आया है, और यहां पे हमने एक मोल का देखना है। ये जो होता है ना 22.4 लीटर, कौन सा वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ये किसका होता है, एक मोल का होता है, और ये जो निकाला आपने एटॉमिक वॉल्यूम, वो एक मॉलिक्यूल का निकाला। तो अब क्या करेंगे, एक मोल में, अब ध्यान रखना, एक मोल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपने निकाला एटॉमिक वॉल्यूम, ये कितने का निकाला, कितने का होता है, ये एक मॉलिक्यूल का, और हमें देखना है एक मोल का। तो एक मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, इतना एवोगाड्रो नंबर, इतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो ये पूरा वॉल्यूम जो आएगा वो कौन सा वॉल्यूम आ गया, एक मोल का कौन सा वॉल्यूम आ गया, एटॉमिक वॉल्यूम। अब दोनों को कंपेयर करना है, मतलब रेशियो निकालना है, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वॉल्यूम, कितने मोल का निकालना था, एक मोल का। एक मोल का क्या होता है मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर, जो चेंज होता है या फिक्स होता है। अगर मान लो हीलियम गैस होता तो क्या नहीं बदलता, मोलर वॉल्यूम वही रहता, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम बदल जाता, क्यों, क्योंकि उसका साइज अलग होता। तो कौन सा वॉल्यूम कभी नहीं बदलता गैस का, वो फिक्स होता है, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम बदलता है। ये एटॉमिक वॉल्यूम किसका है, एक मॉलिक्यूल का, हमें एक मोल में देखना है, तो एक मोल का कंपेयर हो रहा है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इनटू कर देंगे, अब आएगा एक मोल, एक मोल का कौन सा वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, कंपेयर का मतलब दोनों वॉल्यूम का रेशियो। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन, जब भी आपने सुना होगा, जब भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो एक मैग्निफिकेशन बनता है इमेज का। एक सवाल है कि एक बंदा माइक्रोस्कोप से, एक बंदा किसे, माइक्रोस्कोप से हेयर की थिकनेस मेजर कर रहा है, बाल की थिकनेस। बेटा ये जो हमारे हेयर्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं ना, उसकी थिकनेस आंखों से तो कोई नहीं देख सकता ना, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है बताओ जरा, माइक्रोस्कोप। और उसने ना ऑब्जर्वेशन लिया, किससे लिया, माइक्रोस्कोप से देखा। तो पता चला जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा, क्या देखा, बाल की थिकनेस, तो कितने एमएम का मिला उसे थिकनेस, 3.5 mm। तो ये क्या आएगा, इमेज में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा, इमेज में आएगा, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट से जो देखते हो वो ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होता है, इमेज होता है। तो बाल का जो साइज है माइक्रोस्कोप से देखने पे वो 3.5 mm है, तो ये इमेज का साइज हो गया, इमेज की विड्थ हो गई, चौड़ाई है। और जो मैग्निफिकेशन है किसका, इस इंस्ट्रूमेंट का, वो साफ दे रखा है कितना है, 100। और हुआ क्या, उसने एक बार ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, उसने कितने बार ऑब्जर्वेशन लिए, 20 बार। उसके मन में था कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ और तो नहीं आएगा, कहीं उसने एक बार नहीं देखा बाल की थिकनेस को, उसने हेयर की थिकनेस को एक बार ऑब्जर्व नहीं किया, कितनी बार ऑब्जर्व किया, 20 times। और सबके ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज रीडिंग निकाला वो क्या निकाला, पहले एक बात बताओ, ये 3.5 mm जो है वो ऑब्जेक्ट रीडिंग में आएगा या इमेज की रीडिंग में जाएगा, क्योंकि वो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो वो इमेज है, तो इमेज का साइज पता है 3.5 mm, मैग्निफिकेशन पता है कितना, 100।
इमेज का विड्थ दे रखा है ना बेटा, इमेज का विड्थ कितना है बताओ, आया ना अभी आपको 3.5 mm है ना, और मैग्निफिकेशन कितना है देखो, दे रखा है ना मैग्निफिकेशन, कितना मैग्निफिकेशन है बताइए 100। तो निकालना क्या है एक्चुअल विड्थ, एक्चुअल विड्थ क्या है इसकी, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज। तो इसको यहां शिफ्ट कर देंगे 3.5 mm डिवाइडेड बाई 100, 0.035 mm। आप समझे या नहीं समझे इस कॉन्सेप्ट को। हेयर की विड्थ किससे देखा गया है, आंखों से देखा गया है या माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या मिला साइज, क्या मिला विड्थ 3.5 mm। तो ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में या इमेज में, इमेज में, गुड। और मैग्निफिकेशन कितना था 100, तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज निकल के आ जाए। इसको इधर शिफ्ट करो 3.5 by 100 आ जाए। अगला है लास्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक बंदा एक घर की फोटो ले रहा है, एक बंदे ने एक बड़ा सा घर दिखा उसे, एक बड़ा सा हाउस दिखा उसे, उसने उस घर का फोटो ले लिया, बड़ा सुंदर सा घर दिखा, जा रहा था कहीं से तो उसने क्या किया, उस घर का फोटो ले लिया, घर का फोटो जो लिया तो घर के फोटो का एरिया कितना आया 1.75 cm². ये घर का एरिया थोड़ी है, घर तो बहुत बड़ा होता है, ये घर के फोटो का एरिया है। फिर अपने गांव गया, वो गांव में जाके बोला मैं जा रहा था हाईवे में ना, तो मेरे को बहुत अच्छा सा घर दिखा, चलो तुम लोगों को भी दिखाते हैं, पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं। तो उसने क्या किया, उस फोटो का फिर फोटो बनाया, और किसके ऊपर दिखाया लोगों को, प्रोजेक्टर के ऊपर। तो जो प्रोजेक्टर के ऊपर फोटो का फोटो बनाया उसका एरिया है 1.55 mm². देखो ये मीटर में काफी बड़ा है और ये सेंटीमीटर में है। तो बताना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, जिसकी लास्ट में उसने किससे देखा, प्रोजेक्टर पे देखा, तो जो प्रोजेक्टर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन किसका होता है, इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो बताएं जरा, फिर से बताएं, पहला जो फोटो लिया उसने उसका क्या एरिया था, और जो इसने फोटो का फिर फोटो बनाया प्रोजेक्टर के ऊपर उसका क्या एरिया आया। तो दो फोटो हो गए, पहला फोटो और फोटो का फिर फोटो, तो जो पहला फोटो है वो क्या आ जाएगा, किसके एरिया में आएगा, ऑब्जेक्ट में या इमेज में, ऑब्जेक्ट में। जो फिर फोटो पे फोटो बनाया दूसरा वो आ जाएगा इमेज। तो दो एरिया हो गया, ऑब्जेक्ट का एरिया, पहला फोटो एरिया, अब बाद का जो फोटो एरिया आया वो क्या बन गया, इमेज एरिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों एरिया का रेशियो निकालेंगे, तो उससे भी मैग्निफिकेशन निकलेगा, बट अब जो मैग्निफिकेशन निकलेगा वो एरियल मैग्निफिकेशन निकलेगा। दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, लीनियर एंड एरियल। लीनियर में साइज लिया जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब, लेकिन एरियल मैग्निफिकेशन में किसका रेशियो लिया जाता है, एरिया का। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के साइज में क्या विड्थ है, लेंथ है, ब्रेथ है या एरिया है, एरिया है। तो इमेज एरिया बाई ऑब्जेक्ट एरिया, ये भी मैग्निफिकेशन निकला, बट वो कौन सा मैग्निफिकेशन कहलाता है, एरियल आ गया। हमें कौन सा मैग्निफिकेशन निकालना था, लीनियर। तो याद रखना, एरियल मैग्निफिकेशन के ऊपर रूट चढ़ा दो तो वो बन जाएगा कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर। एक मिनट, यहां भी साइज है, यहां भी साइज है, यहां का साइज एरिया में है और यहां का साइज विड्थ में है, मीटर में है, और वहां का मीटर स्क्वायर में है। तो ये भी मैग्निफिकेशन देगा, ये भी देगा, बट फर्क क्या होगा, ये कौन सा मैग्निफिकेशन देगा, एरियल, और ये कौन सा देगा, लीनियर। और एरियल मैग्निफिकेशन निकाल के लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, रूट चढ़ा देंगे तो मीटर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लाइट की स्पीड कितनी होती है आप जानते हो, 3 × 10⁸, लेकिन यूनिट क्या होती है, मीटर पर। और आपने ये भी सुना है कि जब हम यूनिट बदलते हैं तो वैल्यू भी बदल जाती है। तो सवाल क्या है, सुनो, लाइट की स्पीड यूनिटी लेने बोला है, कितना लेने बोला है बेटा, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। बोलोगे सर ये कौन सा सवाल आ गया, लाइट की स्पीड तो होती है 3 × 10⁸, और आप लेने बोल रहे लाइट की स्पीड कितना, 1। हाँ, इसलिए कि उसने बोला है कि मीटर पर सेकंड जब लेंगे तब इतनी वैल्यू होती है। उसने पता नहीं कोई नई यूनिट ली है, वो नई यूनिट किसी को नहीं पता। अभी यूनिट क्या है लाइट की स्पीड की, अभी लाइट की स्पीड की यूनिट क्या है, बट पता नहीं उसने क्या लिया है, किसी को पता नहीं, सीक्रेट है। तो जब इस यूनिट के साथ नए यूनिट के साथ गया, नया यूनिट पता नहीं किसको, किलोमीटर पर आवर है या क्या है या फलाना, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी नई यूनिट ली ना, तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 1। जब यूनिट बदलोगे तो वैल्यू भी तो बदलेगी। ये 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड कब होती है, किस यूनिट के साथ, मीटर पर सेकंड। लेकिन जब उसने यूनिट को चेंज कर दिया, कौन से यूनिट में गया नहीं पता, बस नई यूनिट है तो वैल्यू भी बदल गई। कितनी वैल्यू हो गई अब, 1।
तो बताओ वो लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना सेकंड हो गया टोटल टाइम, 500 सेकंड, 60 इंटू 8 480 प्लस 20, कितना वो डिस्टेंस तय करेगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू टाइम, स्पीड कितना 1, टाइम कितना 500, ओके तो कितना स्पीड इंटू 500 कितना आ गया बेटा 500, क्या 500 क्या मीटर लिख देंगे, क्यों नहीं मीटर लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका यूनिट पता ही नहीं कि मीटर में लिया गया किसमें लिया गया है, तो यहां जब न्यू यूनिट है तो इसको भी क्या लेंगे न्यू यूनिट में, टाइम के रहने से क्या फर्क पड़ता है, एक की यूनिट तो नोन है, तो आंसर विल बी डिस्टेंस 500 विद न्यू यूनिट। अब यहां पे बताना कि यहां पे न्यू यूनिट क्यों है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस न्यू यूनिट में क्यों आया, पॉइंट इज दिस, यहां पे डिस्टेंस न्यू यूनिट में क्यों आया, क्योंकि स्पीड भी कोई अननोन यूनिट में था, इसलिए यहां भी जो आएगा वो किस में आएगा न्यू यूनिट में है। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए, मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है कभी नहीं बदलता, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम बदलता है 4/3πr³, एक मॉलिक्यूल का टोटल मोल का निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं, साइज का रेशियो लोगे और साइज में लेंथ विड्थ ये सब लोगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन, और साइज में एरिया लोगे दोनों का तो वो एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल का रूट चढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। फिर याद करो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला सबका मैंने बना दिया, वर्नियर कैलिपर का भी बताया और किसका बताया स्क्रू गॉज का, ये सब पॉइंट्स थे, ये सब मेजरमेंट के अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।